एक गीत सोच रहा हूँ महाभारत का सुना दूं, और क्योंकि महाभारत हुआ भी नहीं शायद, एक गीत हो जाए। और वीर रस में ही है, वीर रस में ही है। कहना है क्या सुनिए क्या, ये भैया कल्लू आतिशबाज है। अच्छा, आज से 100 रुपए आए हैं। और आतिशबाजी जिसको लेना हो तो संपर्क करें। नहीं, हम नहीं लेंगे, हम भैया नहीं लेंगे, हमारे अच्छे बड़े भैया हमारे श्री दादाजी राम कुमार अवस्थी जी, आप 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वादी कामना है। हंसी मजाक चलता रहे तो नीरसता नहीं आती है कार्यक्रम में, सही। और बहन जी अगर मेरी कहीं कोई बात आपको बुरी लग जाए तो छोटा भाई हूँ आपका, क्षमा कर दे और बाकी गीत को सुने। हेलो, मेरा ये आखिरी चक्र है, दादाजी तरफ से आदेश हो गया है, सही है, और मैं एक गीत लेके चल रहा हूँ, सुनेगा। हेलो, हमारा वाला भी कम हो गया। अगर तू परिंदा है हे, कब्रिस्तान तेरा है, देश कहीं यदि मर गया तो तुझको श्रद्धांजलि अर्पित करूं, और देश कहीं यदि जिंदा है तो हिंदुस्तान तेरा है। अजी बूढ़ा बच्चा जवान लड़ेगा, वक्त पड़ने पे सारा हिंदुस्तान लड़ेगा। अरे तू क्या समझता है ऐ पाक, या हिंदू से पहले तुझसे मुसलमान लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा। नहीं बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। Oh,
तो मैं कह रहा हूं बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। हालांकि उनसे दोस्ताना तो नहीं है पर कीर्तन क्षेत्र में उनके शिष्य जरूर हैं। तो वही बात है कि संगीतकार एक गुरु शिष्य के लिए भाई भी होता है, पिता भी होता है, दोस्त भी होता है। कहना है बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। गौरव गुनी गंभीर आपके जमाने का गीत, बिल्कुल गीत लिखा जाता था तो कितना रस होता था उसमें। आजकल तो इनको फसाओ, उनको फसाओ। ये सुनिए, गौरव गुनी गरिमा गंभीर क्या करे, रथ में रथी बिरत हो तो रणधीर क्या करे। करण कह रहा है अर्जुन भूमि में फंसा जा पहिया एक साथ। तभी कर्ण ने कहा बात से उठा के दोनों हाथ, ये पहिया कर्ण उठाने लगा। कन्हैया ने कहा अर्जुन निशाना तानो, अब सही मौका है कर्ण को मारने का। सही बात, जैसे अर्जुन ने धनुष ताना तीर लगाया, कर्ण कहने का अर्जुन जोन एक निहत्ते पर वार करने जा रहे हो, क्या ये नियम के विरुद्ध नहीं है? एक निहत्ते पर वार करने जा रहे हो, क्या नियम के लायक है? अगर है तो जरा बताइए। कर्ण कहने का अर्जुन नहीं वार साथी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने मनोरंजन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा आदरणीय दादा मिश्रा जी कि हमारी बहन जवाब पे ना पड़े, आप एक कुछ अच्छे गीत गा दें। जवाब सवाल को आप छोड़ें, अच्छे गीत गा दें। सही है, सुनेगा कर्ण कह रहे अर्जुन
कुछ दिलों वाले काम करते हो। और क्या? अरे ये ये पीरों का रन अर्जुन अर्जुन ये पीरों का रण, ये पीरों का रण है। ये पीरों का रण कह रहा है करण, उठा लूं मैं पहिया धसा जो धरण। यही में बेटे यही में एक बार ये पहिया उठा लेने दो। ये हेलो 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 अब तो बिल्कुल खूब हो गए। हेलो 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 हमारा तुम्हारा हेलो हेलो हो दोस्ताना। हाँ बिल्कुल बढ़ा भैया बढ़ा थोड़ा। जो हमारे भाई बैठे हैं कि हमारा तुम्हारा हो दोस्ताना, अगर कोई गलती हो जाए तो ना देना दोस्ताना। क्या कर रहे भैया, अगर कोई गलती हो जाए तो ना देना दोस्ताना। बिल्कुल और ऐसी ऐसी कायम कर दो मिसाल दोस्ती की। ऐसी कायम कर दो मिसाल दोस्ती की कि सारा जमाना कहे कि क्या था दोनों का दोस्ताना। ये कुंडल कवच, कोरस वाला भैया बढ़ा दो, बढ़ा दीजिए, आते निकली आ रहे हैं भैया, कोरस वाला बढ़ा दो। हेलो बाकी आपका साउंड बहुत बढ़िया है। हेलो हेलो रात भर मेहनत नहीं लगी गाने में, सही अब लग रही इस गाने में। हेलो ये कुंडल कवच ये कतारी की रचे, अरे गुरु अरे अगर चुन चुकी सर, अरे अगर चुन चुकी सर चलाता दोबारा करण, अगर चलाता अगर चुन चुकी सर चलाता दोबारा समर में फंसा का पैया।
इस लाइन को सुनेगा। कण कह रहा जुन आजमाने का दिन, आज आजमाने का दिन था, आजमाने का दिन था, लड़ाने का दिन, आज तीर से तीर लड़ाने का दिन था। और क्या झुकाने का दिल, अर्जुन जनासा तुम्हें था चबाने का दिल। क्या बात है बेटे, वाह, चने की तरह चबाने का दिन था। अरे मुझे सल्ले का ही है केवल सहारा, समर में फंसा रथ का पहिया छोटा सा टुकड़ा। बिल्कुल बेटे सही बात है। क्या कोई कोई अपने क्या बात बेटे, आराम से Hey!
जो हमारे भाई बैठे हैं बात कर रहे हैं। हेलो हेलो, अरे दोस्तों इधर सुनो, कहते क्या बात है कि पत्र आना बंद है। क्या बात है कि पत्र आना बंद है। अरे डाकिये मर गए कि डाक खाना बंद है। कहना है क्या, कोई कोई बेटे वाह, ऐसे मेहनत करोगे तो बेटा ऐसे माल मिलेगा। तो भैया बोल ले दादा जी, आदरणीय मिश्रा जी, इस कटपीस को मैं कहूंगा ध्यान से आप सुनिए, चाहे लोग इसका जवाब दें अन्यथा ना दें, पर सुनिएगा दादा जी, मैं चार पात्र ले रहा हूँ। चार पात्र, एक पात्र है हिंदू वर्ग का, एक मुस्लिम वर्ग का, एक सिख, एक ईसाई। बिल्कुल, चारों पात्रों के नाम बताऊंगा। अब गीत देखो, कहते हैं कि मेरा भारत महान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। और क्या, आखिर ये हिंदुस्तान है क्यों? है क्यों? त्याग हो जीवन में, त्याग हो जीवन में, गौतम महा अगर त्याग हो तो गौतम जैसा हो। त्याग हो जीवन में गौतम महान सा, ईमान अब्दुल कला मुसलमान सा। शाबाश बड़े शाबाश, ईमान अब्दुल कला मुसलमान सा, प्रेम मदर सा, जिनको कहते हैं मदर टेरेसा। प्रेम हो मदरसा कैसे, अनाथ संतान हो भगत सिंह का, जहां पाया बलिदान हो। जहां मेरे देश में त्याग गौतम जैसा हो, ईमान अब्दुल कलाम जैसा हो, प्रेम मदर टेरेसा जैसा हो, बिल्कुल, और जहां बलिदान भगत सिंह जैसा हो। त्याग हो जीवन में गौतम महान सा, ईमान अब्दुल कलाम मुसलमान सा, प्रेम मदरसा कैसे, अरे अनाथ संतान दादा जी।
होती है। क्या बात है बेटे। सच कहा है सच देवाए, भारत महान है। और जितने भी गीत गाए उसमें सबसे ज्यादा इसमें जान है। एक गीत हमारे दादा की तरफ से सुनाएंगे और उसके बाद में अलविदा होगी। चलिए, अगर आपने कह दिया कि गीत में जान है, वैसे मैंने सारे गीत जान लगा के गाए और ये गीत, हालांकि ये गीत आप लोगों की जान बन गया और कुछ गीत इन लोगों की जान बन गए, इसीलिए तो बैठे हैं। मेरा बहुत सौभाग्य है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, इस समिति को, कि आप लोग बैठे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक गीत में सुना के जा रहा हूँ दादाजी। हेलो हेलो, और आप कहेंगे कि हाँ इसमें भी जान है। हाँ जान तो है। गाना कह रहा फिल्मी दुनिया वाले ने गाया, क्या कह रहा बेटा गाना, हाँ।
तैयार बैठे हैं। दुनिया है तेरे पीछे, फिर भी मैं तेरे पीछे, रे अपना बना ले मेरी जान, रे मैं तेरे दोस्तों। समंदर है जो कूदा अभी तक अंदर है, बिल्कुल, और जाने क्यों लोग डायल कर देते हैं जबकि जानते हैं कि रॉन्ग नंबर है। अब आ जाइए अपने देश की तरफ, हंसी मजाक अलग की बात है। मिश्रा जी, कहता है कि मेरे ग्राम नेहरी में प्रोग्राम हो रहा है और मुझे जवाब ही सुनना है, साहब मुझे छुट्टी दे दो। अब छुट्टी लेके आता है, बैठ के वो कीर्तन सुनता है और मिश्रा जी जब वो अपने घर जाता है, बिल्कुल बेटे, तो कहता है मम्मी अरे माँ मैं अब दोबारा सीमा पे नहीं जाऊंगा। माँ कहती क्यों बेटा तू सीमा पे क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाओगे बेटे? माँ ने उसका साहस बढ़ाया, बोली बेटा तू सीमा पे अकेला नहीं लड़ता है ना? सुन तेरे साथ कौन कौन लड़ता है। कहना है ये बेटा सीमा पर रहने वाले ए, 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 ए। मिश्रा जी आदरणीय, इसी माँ का आशीर्वाद है कि सीमा पे भक्त, सीमा पे जवान अकेले डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। सही बात है, इसी माँ की कृपा है। बेटा तेरे संग तेरी माँ का वरदान लड़ता तो आशीर्वाद है लड़ता, गुरु का प्रसाद है लड़ता, आशीर्वाद है लड़ता,
सती से होके सराबो सोलह
और दादा मिश्रा जी और यहाँ की प्रभु जनमानस, अगर ये बात अच्छी लग जाए तो अपने अपने जेब में हाथ डाल लेना। आप सोच नहीं सकते मिश्रा जी कि आखिर कौन कौन लड़ रहा है। अगर अच्छी लग जाए तो जेब में हाथ डाल लेना। कैसे? दिन प्रतिदिन छपने वाले शुभ समाचार लड़ते, समाचार आता है कि उन्होंने 40 मारे, हमारे देश के जवान ने 400 मार दिए, तो हमारे देश का बच्चा कहता मैं भी सीमा पे जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वतंत्र भारत, बेटा स्वतंत्र भारत के सारे अखबार लड़ते, बेटा स्वतंत्र भारत के सारे अखबार लड़ते, जनसत्ता ने लिख डाला एक पेपर था जनसत्ता, जनसत्ता ने लिख डाला फैला दे अमर उजाला, जनसत्ता ने लिख डाला फैला दे अमर उजाला, क्योंकि भारत का तू है नंद किशोर, भारत का तू है नंद किशोर, आगे है सबकी तेरी ओ, जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। अरे आते हैं नए लोग पर पुराने नहीं आते। दादा आए
सुनो, तुम क्या मेरे हिंदुस्तान की बराबरी करोगे? कुछ नहीं बेटे। क्या मेरे हिंदुस्तान की वाजपेयी जी, अरे ये क्या मेरे हिंदुस्तान की बराबरी करेंगे? ना, पहले मेरे देश के नन्हे मुन्ने बच्चों की तो बराबरी कर लो। अब देखो नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे हैं? कैसे? अगर है किसी देश में तो यहाँ की जन समुदाय उसको ढूंढ के दिखाए। अगर है कोई बच्चा, ये तो बच्चे हमारे शान है देश के। पर जो बच्चे मैं दिखा रहा हूँ मिश्रा जी सुनेगा, मात्र 6 वर्ष का केवल। मिश्रा जी आप फ्रंट पे आ जाइए, सामने सामने आ जाइए मिश्रा जी, वाजपेयी जी आ जाइए। हाँ नहीं इतना ठीक है, बैठे ना माता जी, बैठ जाइए, आखिरी गाना फिर जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सारी रात बैठी, मैं आपको शुक्र गुजार हूँ, मैं आपके चरण छू रहा हूँ। माता जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए। 6 वर्ष का मात्र मिश्रा जी वाजपेयी, 6 वर्ष का केवल, 6 वर्ष का एक और बालक सुहाया। अरे जंगल में तप कर परम पद को पाया, अरे जंगल में तप कर। अभी किसी अंग्रेज बच्चे को रात में इधर भेज दो तो कहेगा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सन्नाटा देख के लौट आएगा, वो तुरंत भाग आएगा। पर मेरे देश का बच्चा, अरे जंगल में तप कर परम पद को पाया, अरे जिसके बुलाने पर पड़ा प्रभु को आना। है किसी देश का बच्चा जो परमात्मा को बुला ले? मेरे देश के बच्चे जैसे प्रहलाद ध्रुव, जिसके बुलाने पर पड़ा प्रभु को आना। तभी तो ये सचदेवा शरारती कह रहा है क्या कि परदेशियों तुम मेरे मुंह ना आना। क्यों? क्या बात बेटे, सब आ रहे हैं। और नीलम जी अगर आप चाहें तो बहुत कुछ ले सकती हैं इनसे। और क्या सुनेगा, कहना है क्या? एक बालक और दे रहा हूं, एक बालक है, कोई बालक तला के दिखाए, है कोई बालक तो लाके दिखाए, अरे सिंह के दांत जो गिन के दिखाए। क्या बात बेटे, बहुत अच्छे। है कोई जो शेरों के दांत गिनने वाला? ये वही लड़का है। यहाँ तो अगर गली के कुत्ते को अंग्रेज के बच्चे देख लें, ओ मम्मी डॉग, पर मेरे देश के बच्चे, अच्छा पहले वो काट ले, वो काट लेगा, मगर मेरे देश के बच्चे, हाय कोई बालक तो लाके दिखाए, अरे सिंह के दांत जो गिन के दिखाए।
जिंदगी कोई ढूंढ नहीं सकता। बिल्कुल। वो बालक कौन है? भरत, जो सिंह के दांत गिनने वाला भरत। उसी भरत नाम से, उसी भरत नाम से अगर पक्ति अच्छी लग जाए तो सबसे एक बार तालियां चाहूंगा। उसी भरत नाम से ये भारत सुहाना। मेरे देश के बच्चे का नाम है भरत, और उसी बच्चे के नाम से मेरे देश का नाम पड़ गया भारत। ढोलक भैया हमारे बाग के बिहारी जी।